जाएंगे, ठीक है, ये अनाउंसमेंट्स में से रही थी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी की। अब इसी के बारे में बात करने वाले हैं, ई विद्या प्रोग्राम, साथ ही साथ में और भी बाकी बहुत सारे एजुकेशनल मेजर्स लिए गए हैं, तो ये है क्या? देखो, आपको पता है कि अभी जो है ना लॉकडाउन चल रहा है, और लॉकडाउन की वजह से एक काम तो बिल्कुल हम लोगों को जो है अपने जहन में बसा लेनी है और जिस चीज़ को अवॉइड करना है वो है कि गैदरिंग, ठीक है, गैदरिंग को हमें अवॉइड करना है और सोशल डिस्टेंसिंग को हमें मेंटेन करना है, ठीक है। अब गैदरिंग का क्या मतलब होता है, बहुत लोग एक जगह पे अगर इकट्ठा हो जाए, ठीक है, तो इसी गैदरिंग, देखो गैदरिंग होता कहाँ है, गैदरिंग होता है आपका मॉल्स हो गए या फिर सिनेमा हॉल्स हो गए या फिर कोई पूजा वूजा वाली जगह जैसे मंदिर मस्जिद हो गया या हम लोग कह सकते हैं स्कूल और यूनिवर्सिटीज़ हो गए, तो यहाँ पे गैदरिंग होती है। अगर बहुत लोग गैदर होने लग गए तो फिर वायरस फैलने का डर है, ठीक है, और यही लोग संक्रमित ना हो उन लोगों को बचाए रखने के लिए सरकार बहुत सारे स्टेप्स ले रही है, ठीक है। अब इस बीच में बच्चों का बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, स्टूडेंट्स का, कॉलेज स्टूडेंट्स, स्कूल स्टूडेंट्स का बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, ठीक है, उन्हें उनकी पढ़ाई से अपडेटेड रखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, साल भर तो किसी का नुकसान नहीं करा सकते हैं, और इस वजह से उन्हें पढ़ाई से अपडेटेड कैसे रखा जा सकता है, ऑनलाइन एजुकेशन, जैसे अभी आप लोग क्लास कर रहे हो तो आप लोग ऑनलाइन ही तो हमसे कनेक्टेड हो, जो भी हो रहा है उसकी खबरें हम लोग आपको देते रहते हैं लगातार, बहुत सारे अलग अलग टिपिकल कोर्सेज होते हैं जो आपको बताए जाते हैं, सब कुछ आपको मिलता है, ठीक है। तो जैसे हम लोग ऑनलाइन आपको प्रोवाइड कर रहे हैं प्लेटफॉर्म, ठीक है, उसी तरह से सरकार ने ई विद्या प्रोग्राम लॉन्च करने को कहा है। अब इस प्रोग्राम में करने क्या वाली है सरकार, ई विद्या प्रोग्राम में ना सरकार 12 DTH चैनल्स को इंट्रोड्यूस करेगी और हर एक चैनल जो है क्लास 1 से 12 तक के लिए होगा, ठीक है, इसलिए 12 DTH चैनल्स हैं क्योंकि ये क्लास 1 से लेकर 12 तक के लिए एक एक अलग अलग चैनल होगा। अब देखो, सरकार ये DTH चैनल्स तो लॉन्च कर रही है 1 से 12 के लिए, लेकिन एक्चुअली किस चीज़ का सहारा ले रही है, क्या मोड होगा, स्वयं प्रभा DTH चैनल जो कि चल भी रहा था और इसमें ऑलरेडी कुछ और भी चैनल्स थे, इसमें ये 12 चैनल ऐड कर दिए जाएंगे ताकि क्लास 1 से 12 तक की अलग अलग जो क्लासेस होती हैं वो देखी जा सके। स्वयं प्रभा जो है ये चार्टी मिनिस्ट्री का एक कह सकते हो कि एक इनका इनिशिएटिव था जो कि फ्री टू एयर यानी कि विदाउट एनी कॉस्ट ये आप लोग एयर कर सकते हो, इसकी सुविधा ले सकते हो, एजुकेशनल चैनल्स हैं, ठीक है, टोटल 32 ऐसे DTH चैनल्स हैं जिसमें कि 12 और ऐड किए जा रहे हैं क्लास 1 से लेकर 12 तक के लिए जो अलग अलग चैनल्स होंगे। अब इन चैनल पर कौन कौन सी क्लासेस चलती हैं, जैसे आर्ट्स हो गए, साइंस हो गए, कॉमर्स, परफॉर्मिंग आर्ट्स, सोशल साइंसेज, ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट, इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, मेडिसिन, एग्रीकल्चर, ठीक है, तो ये सब्जेक्ट्स हैं जो कि रन कर रहे हैं और अभी जो है क्लास 1 से 12 तक के लिए और भी सब्जेक्ट्स को रन किया जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली होना क्या है, होना ये है कि जो स्वयं प्रभा चैनल है, DTH चैनल्स होते हैं, अब इसी DTH चैनल पे क्लास 1 से लेके 12 तक के लिए 12 और चैनल क्रिएट किए जाएंगे और हर एक क्लास का एक डेडिकेटेड चैनल होगा, क्लास 1 के लिए एक चैनल होगा, क्लास 2 के लिए होगा, उस पे वहाँ के कोर्सेज को वो लोग दिखाएंगे, ठीक है, ताकि बच्चे जो है घर पे बैठे बैठे देख सके। इसके लिए कोई इंटरनेट कनेक्शन की अलग से ज़रूरत नहीं है, ये फ्री का चैनल मिल रहा है बच्चों को, ठीक है। साथ ही साथ में एक सुविधा और इसमें होती है कि बच्चे अपने डाउट्स को भी क्लियर कर सकते हैं डेडिकेटेड हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके, ठीक है। अब इसके साथ ही साथ में देखो, स्टूडेंट्स की तो हमने बात कर ली, स्कूल स्टूडेंट्स की, कॉलेज स्टूडेंट्स का क्या, तो उनको भी अलाउ किया गया है कि जो 100 टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं भारत की, ये लोग अपना ऑनलाइन डिग्री प्रोग्राम शुरू कर सकते हैं। इसमें जो टॉप 100 यूनिवर्सिटीज़ हैं ना भारत की, उनको अलाउ किया गया है कि 30 मई के बाद से वो लोग ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। अब ये कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ होंगी, IIT हो जाएगा, IIM हो जाएगा, इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस हो जाएंगे, नेशनल इंस्टीट्यूट, इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस क्या है, अभी कुछ दिन पहले आप लोगों ने देखा होगा न्यूज़ में आया था कि 5 IITs को जो है इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस का दर्जा दिया गया, ठीक है, तो जो हमारे देश की सबसे बेहतरीन यूनिवर्सिटीज़ हैं बेसिकली उनको ये दर्जा दिया जाता है और सरकार इनमें ऐसे इन्वेस्ट कर रही है, लगभग 1,000 करोड़ तक की सरकार इनमें इन्वेस्ट करेगी ताकि ये विश्व स्तर के टॉप यूनिवर्सिटीज़ को कॉम्पीट कर सके, क्लासरूम का इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर करके, वहाँ की बाकी सुविधाओं को अच्छा करके, ठीक है। तो जो ऑलरेडी इसमें इंक्लूडेड है और बाकी जो टॉप 100 यूनिवर्सिटीज़ हैं इनको भी अलाउ किया गया है कि ये लोग अपनी ऑनलाइन डिग्री प्रोग्राम को भी शुरू कर सकते हैं 30 मई के बाद से, ठीक है। इसके अलावा सरकार ने और क्या क्या शिक्षा जगत में सरकार ने और क्या क्या पहल की है, बहुत टाइम से चल रही है बातें, ठीक है, लेकिन अभी हाल फिलहाल का देख लें हम लोग, तो देखिए एक तो ये रहेगा कि हम लोगों ने देखा जो चैनल्स होते हैं, जैसे कि जब मैंने आपसे स्वयं प्रभा की बात की तो इसमें प्री रिकॉर्डेड सेशंस जाते हैं। प्री रिकॉर्डेड की एक चीज़ जो प्रॉब्लम हो जाती है वो ये हो जाती है कि अगर लाइव नहीं है तो बच्चे इंटरेक्ट नहीं कर सकते हैं, अगर इंटरेक्शन नहीं है टीचर्स के साथ में तो फिर बच्चे अपनी समस्या कैसे पूछेंगे। हेल्पलाइन तो ठीक है, लेकिन उस चीज़ को थोड़ा कम करने के लिए कहा गया है कि टेलीकास्ट किया जाएगा लाइव इंटरेक्टिव सेशंस बच्चों के बीच में और टीचर्स के बीच में स्काइप के जरिए,
ठीक है। इसके साथ ही साथ में ना सरकार जो है कुछ प्राइवेट ऐसे डीटीएच वालों से भी बात करी, जैसे एयरटेल हो गया, टाटा हो गया, इन सब से भी बात होगी कि किसी तरह से ये लोग भी थोड़ा सपोर्ट करें और अच्छे तरीके से टेलीकास्ट हो सके, बच्चों को एक बढ़िया कह सकते हो बढ़िया क्लास मिल सके, बढ़िया कनेक्टिविटी के साथ में मिल सके, ताकि बच्चे और टीचर्स आपस में कनेक्टेड रहें। ठीक है। और एक और भी बात सरकार ने कही है कि पीएम ई विद्या जो है ये ऑनलाइन प्रोग्राम दीक्षा को भी कंसिस्ट करेगा। दीक्षा जहाँ पे ऑलरेडी 61 करोड़ हिट्स हो चुके हैं 24 मार्च के बाद से अभी तक। अच्छा, ये दीक्षा प्लेटफॉर्म क्या है? तो देखो बच्चों, दीक्षा अगर आप लोग गूगल पे जाके लिखोगे दीक्षा पोर्टल, तो आपको ऊपर दिखाई देगा ऐसे DIKSHA, ठीक है, ये लिखा रहता है। इस पर आप लोग क्लिक करोगे, जब क्लिक करोगे तो आपको मिलेगा ये जो फ्रंट पेज होता है, यहाँ पे एक्सप्लोर कंटेंट होता है। ठीक है। तो आप जाके वहाँ पे जिस भी क्लास में हो, जिस भी स्टेट बोर्ड में हो या जो भी बोर्ड है, उसको आप क्लिक कर सकते हो। आपके सामने ऑप्शंस आ जाएंगे अलग अलग क्लासेस के लिए। ठीक है। तो वहाँ पे बुक्स अवेलेबल है, ऑनलाइन कंटेंट अवेलेबल है, ताकि बच्चे उसका सुविधा ले सकें। ठीक है। तो इसको भी शुरू किया गया हुआ था, और इसी वजह से शुरू किया गया था क्योंकि बच्चे जो है अभी ऑनलाइन, आपको पता है कि एक ही तरीका है कि हम लोग ऑनलाइन पढ़ सके। अगर ऑनलाइन नहीं कर रहे हैं तो फिर बड़ी समस्या की बात हो जाएगी, क्योंकि स्कूल्स वगैरह तो अभी खुल रहे नहीं है। ठीक है। तो इस वजह से इन लोगों ने एक अच्छी पहल ली है, दीक्षा को भी इस तरह से शुरू किया गया था। ओके। तो जो आप लोग देख रहे हो ना, इसको इंक्लूड कर लिया जाएगा ई विद्या प्रोग्राम के अंडर। ठीक है। दीक्षा का बेनिफिट सभी को है, टीचर्स को भी बेनिफिट मिलेगा, स्टूडेंट्स को भी मिलेगा। टीचर्स को कैसे बेनिफिट मिलेगा, वो समझ सकेंगे कि कहाँ पे वो एक्सप्लोर कर सकते हैं, कहाँ उनकी एक्सपर्टीज है, और स्टूडेंट्स को अच्छा कंटेंट मिल सकेगा। ठीक है। इसके साथ ही साथ में ई पाठशाला पे 200 बुक्स भी ऐड की गई है। अगर मैं आपसे बात करती हूँ ई पाठशाला की, तो ई पाठशाला को बेसिकली सरकार और NCERT ने मिलकर के शुरू किया था नवंबर 2015 में, जहाँ पे बहुत सारे अलग अलग कंटेंट्स होते हैं स्टूडेंट्स के लिए, जो रिसर्च कर रहे हैं उनके लिए, जो फैकल्टीज हैं उनके लिए, ताकि वो वहाँ पे जाके अच्छे रिसोर्सेज का यूज करके और पढ़ सके। तो ये कुछ अच्छे एजुकेशनल मेजर्स हैं जो सरकार ने पहले से ले रखे हैं। स्टूडेंट्स को सपोर्ट किया जाएगा, मनोदर्पण शुरुआत की जाएगी, जो कि साइकोलॉजिकल सपोर्ट होगा स्टूडेंट्स के लिए, टीचर्स के लिए, फैमिलीज के लिए। अभी आपको भी पता है कि ये जो दौर है, कहा जा रहा है कि नुकसान और फायदा मत देखो। एक चीज जो आपको ध्यान देनी चाहिए वो होना चाहिए कि इसको किसी तरह से सर्वाइव कर लो। ठीक है। तो बहुत बुरी अवस्था में है, कई कई स्टूडेंट्स भी बुरी अवस्था में है। जाहिर सी बात है यार, हम लोग अपने आप को ही देखें तो रह रहकर साइकोलॉजिकली भी हम लोग बहुत इफेक्ट हो रहे हैं चीजों से। ठीक है। तो इस चीज को थोड़ा डील करने के लिए मनोदर्पण इनिशिएटिव लाने की बात की गई है। इसके साथ ही साथ में ये भी अनाउंस किया है निर्मला सीतारमण जी ने कि नेशनल फाउंडेशन लिटरेसी और न्यूमरेसी मिशन भी लाया जाएगा, ताकि जो भी बच्चे हैं उनका जो भी लर्निंग लेवल होता है क्लास 5 तक, वो बेहतर हो सके। 2025 तक ऐसा करने की कोशिश की जाएगी। अच्छा, नेशनल फाउंडेशन लिटरेसी और न्यूमरेसी मिशन को दिसंबर 2020 में लॉन्च किया जाएगा। इसको जरा आप लोग ध्यान रखिएगा। नाउ, अब अगर हम लोग बात कर ले कुछ अच्छे क्वेश्चन जो यहाँ से बन सकते हैं, गवर्नमेंट ने जो है कौन सी नई प्रोग्राम लॉन्च करी है ऑनलाइन एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए, तो ये क्या हो जाएगा, ई विद्या प्रोग्राम। कितने डीटीएच चैनल्स इसके अंदर इंट्रोड्यूस किए जाएंगे, 12। ठीक है। कितने यूनिवर्सिटीज को अलाउ किया गया है कि वो ऑनलाइन कोर्सेज शुरू कर दे मई 30 के बाद से, 100 यूनिवर्सिटीज को। ठीक है। अभी जो हाल फिलहाल में ई विद्या प्रोग्राम शुरू किया गया है, तो उसमें कौन से किस क्लास से लेके किस क्लास तक जो है ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड की जाएंगी, तो वो हो जाएगा आपका 1 से लेके 12 तक। ठीक है। जो कह सकते हो आप लोग किस चीज के अंडर डीटीएच चैनल जो है लॉन्च किया जा रहा है, ठीक है, तो ये चैनल कौन सा होगा, दैट वुड बी स्वयं प्रभा। ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चंस थे जो यहाँ से फ्रेम किए जा सकते थे। ऐसे हम लोग और भी पर्टिकुलर करते रहेंगे क्वेश्चंस। ठीक है। चलो, अगर आप लोग चाहते हो मुझसे अनअकैडमी पे जुड़ना, तो अनअकैडमी पे जाके सुष्मिता त्रिपाठी सर्च करिएगा और फॉलो करना होगा। इससे जितनी भी क्लासेस चल रही है, जैसे कि कल आपका SSC का और बैंक का टेस्ट हुआ था, ठीक है, इसी तरीके से और भी क्लासेस हैं, तो वो हम लोग कर सकते हैं उस पर। ठीक है। और अगर आप लोग कोई भी कोर्स लेना चाहते हो, तो सुष्मिता 10 कोड लगाइएगा। बैंक की क्लासेस ऑलरेडी चल रही हैं आपकी, और भी इंट्रोड्यूस की जा रही हैं आगे आपके। ठीक है। अच्छा, ये कोड आप लोग कहीं भी चाहो लगा सकते हो, SSC के लिए, UPSC के लिए, बैंक के लिए, जो भी कोर्स आप लेना चाहते हो, इस कोड को लगाओगे तो आपको 10% ऑफ मिलेगा। और जो भी सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हो वो सब्जेक्ट पढ़ सकते हो अपने मन की फैकल्टी से। ठीक है। चलो, तो अभी इस सेशन को मैं यहाँ पर जो है एंड करती हूँ। अगर आप लोगों को सेशन पसंद आया तो एक एक बार लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और ये भी बताइएगा कि आपकी राय में सरकार को और क्या अच्छा करना चाहिए। ओके। चलो, बाय एवरीवन, थैंक यू फॉर वॉचिंग द सेशन, लव यू पीपल, बाय बाय।